मोमोज खाना तो सभी को पसंद है। इस वीडियो में मैंने 3 अलग अलग तरीके से मोमोज बनाना बताया है, साथ में हम मोमोज की चटनी भी बनाएंगे। तो फिर चलिए सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं। मोमोज चटनी बनाने के लिए हमें उबलते हुए पानी में 4 टमाटर और 4 मिर्ची जो है लाल मिर्च वो डाल दिया है, उसे अच्छे से उबाल दिया है। और देखिए छिलके निकल गए टमाटर के, तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे और इसे ठंडा होने देना है अच्छे से। इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगता है। और ये मिर्ची और टमाटर देखिए कितने अच्छे से उबल गए हैं, पक गए हैं। अब ये ठंडा हो गए तो फिर मैं इसे अच्छे से इसका छिलका निकाल लेती हूँ। ये छिलका निकाल ले। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे ब्लेंडिंग जार में डाल देना है और हमें इसे अच्छे से पीस लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा महीन बारीक नहीं पीसना है। ये जो पानी बचा है प्लेट में इसे भी हम डाल देंगे और अभी जार को बंद कर देंगे। और अब हम इसे क्या करना है, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। तो चलिए ये देखिए हमने पीस लिया है तो ये रेडी हो गया। अब हमें एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून हमें ऑयल लेना है। इसमें मैंने 7 से 8 कलियां लहसुन की चॉप करके डाल दिया है। अच्छे से भूरा होते तक इसे भून लेना है, 1 मिनट तक एटलीस्ट हमें भून लेना है। और फिर जो प्यूरे था टमाटर का वो हमें इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से 2 मिनट तक चला ले। ये देखिए बहुत अच्छा। इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दे और 1 चम्मच हम विनेगर डाल देंगे और 1 चम्मच मुझे डालना है इसमें सोया सॉस। ये सब डालने से जो फ्लेवर आएगा ना अपने मोमोज चटनी का, तो खाने में मज़ा आता है। जो चटपटा जो स्वाद चाहिए हमें मोमोज की चटनी में, वो निखर के आता है इसमें। अब हमें इसे 2 मिनट तक लीड लगाकर पकने देना है। ये देखिए वाओ, ये हमारी चटनी अभी रेडी हो गई है। हमें ज़्यादा इसे थिक नहीं करना है। अब हमें मोमोज के कवरिंग के लिए आटा गूंध लेना है। उसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ले लिया और 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है। और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और देखिए अच्छे से मिक्स करें, इतना अच्छे से मिक्स करें कि वो जो आटा है वो लड्डू टाइप बन जाए। देखिए लड्डू बना रही हूँ मैं, तो आटे में लड्डू बन गए हैं। अब हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और आटे को सॉफ्ट नहीं गूंदना है, आटे को थोड़ा सा हार्ड ही रखना है, क्योंकि जब हम मोमोज बनाएंगे तो सॉफ्ट होने के कारण बराबर अच्छे शेप में मोमोज हमारे नहीं बनेंगे। ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल दे और फिर अच्छे से ढक कर रख दे। इसे 15 से 20 मिनट तक रख दे। स्टफिंग बनाने के लिए हम लेंगे कैबेज, कैरेट, ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन, ग्रीन चिली और गार्लिक और ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, ऑयल और सोया सॉस। अब हमें क्या करना है, एक पैन में ऑयल डाल देंगे, 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। इसे थोड़ा सा अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर इसमें हमें चॉप्ड गार्लिक डालना है। गार्लिक को अच्छे से बारीक चॉप कर लेना है और इसे थोड़ा सा सुनहरा होने तक भुनने दे, ज़्यादा नहीं भुनना है। और इसमें फिर हम हरी मिर्ची डाल देंगे जो हमने अच्छे से चॉप कर ली है। इसमें हमें किसी भी वेजेस को ज़्यादा नहीं भुनना है। फिर हम ऑनियन डाल देंगे, वो भी हमने बारीक चॉप कर लिया था अच्छे से। इसे भी 1 मिनट तक सॉटे करने दे, थोड़ा सा कलर चेंज होते तक इसे भुनना है हमें, ज़्यादा नहीं भुनना है। और फिर कैरेट डाल दे, उसके बाद कैबेज, इसे अच्छे से मिक्स कर ले, अच्छे से मिक्स कर लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है इसे, ये हो गया मिक्स। पकाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट तक हमें उसे अच्छे से चलाना है। और उसके बाद लास्ट में हमें स्प्रिंग अनियन डालना है। स्प्रिंग अनियन डालने के बाद हमें गैस को ऑफ कर देना है, उसे पकाना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैंने गैस भी ऑफ कर दिया। इसी तरह से हमें गैस ऑफ कर देना है और फिर अभी हमें इसे ठंडा होने देना है। इसे ठंडे होने के बाद में फिर हम अपने बाकी के जो नमक है वो डाल देंगे और फिर इसके बाद में डाल दूंगी इसमें काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच सोया सॉस।
और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये सभी चीज़ें मैंने अगर पहले डाल दिया होता तो क्या होता, वो जो अपना मिक्सचर है कैबेज और जो अनियन वगैरह जो डाला था हमने, वो पानी छोड़ने लगता और जिसके कारण हमारी स्टफिंग ऐसे बिगड़ जाती है, वो खुली खुली नहीं होती। अभी देखिए हमारी स्टफिंग कितनी अच्छी बनी है और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए हमारा आटा भी रेडी हो गया है। अभी इसे हम अच्छे से गूंद लेते हैं फिर से एक बार और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। सबसे पहले इनके पूरे आटे के हम छोटे छोटे बॉल्स बना के रख लेते हैं और फिर हम इसके मोमोज बनाना स्टार्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने पूरे बॉल्स बना के रखे, तो चलिए मोमोज बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला तरीका देख लेते हैं मोमोज बनाने का, जिसमें हमें सबसे पहले तो जो हमारी पूरी है उसे पतला बेलना है। पतला बेलने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मोमोज में। ये देखिए किस तरह से मैं पूरी बेल रही हूँ। इस तरह से गोल पूरी बना लें और पतली पूरी होना चाहिए। ये देखिए मेरी उंगलियाँ भी दिख रही है पूरी से इस तरह से। अब इसमें हमें स्टफिंग डालना है। स्टफिंग आप जितना ज़्यादा डाल सकते हैं उतना डालें, या फिर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो थोड़ी स्टफिंग डालें, नहीं तो फिर वो बराबर बनता नहीं है मोमोज, क्योंकि उसकी स्टफिंग आपके हाथ को टच होने लगती है। और फिर आजू बाजू ऐसा पानी ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर पानी नहीं लगाएंगे तो वो चिपकेंगे नहीं। और फिर देखिए किस तरह से मैंने प्लेटिंग किया है उसकी। ये जो पूरी है उसे एक के ऊपर एक ऐसा इस तरह से हमें जो पूरी की फोल्ड करना है और जमा करते जाना है। फोल्डिंग करना है, जमा करते जाना है, फोल्डिंग करना है, जमा करते जाना है, इस तरह से लाते लाते हमें ऊपर तक इस तरह से फोल्डिंग करके ऊपर लाना है। और अगर यहाँ स्टफिंग बाहर निकल जाए तो उसे अंगूठे से अंदर दबा ले और इसे ऐसे ऊपर ला ले और ये हमारे जो मोमोज है बनके रेडी है। और इसे थोड़ा सा दबा ले तो ये चिपक जाता है पूरा, फिर खुलता नहीं है। अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं मोमोज बनाने का, जिसमें हमें एक पूरी बेल लेना है। देखिए पूरी बेल लिए और उसके आजू बाजू हमने पानी लगा लिया है, स्टफिंग डाल लिया है और इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेना है बस स्टफिंग को, और इसे करंची टाइप ऐसा वन साइड पूरा फोल्ड कर लेना है तो करंची टाइप का शेप बन जाता है। ये देखिए करंची टाइप का शेप बना लिया मैंने, और एजिंग को अच्छे से प्रेस कर ले ताकि वो एजिंग खुले नहीं, और हमने पानी तो लगाया था इसलिए वो खुलेंगी तो नहीं। और फिर हमें क्या करना है, इसे अच्छे से थोड़ा सा प्रेस कर लेना है और अभी इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए दोनों साइड से फोल्ड कर लिया। अब जो एजिंग है उसकी, उसमें थोड़ा सा पानी लगा लेना है और फिर इसे चिपका देंगे। बस हो गया, सेकेंड टाइप का मोमो रेडी हो गया है। अब तीसरा तरीका देख लेते हैं मोमोज बनाने का, जिसमें हमें एक पूरी बेल लेना है। देखिए हमने पूरी बेल ली है। अब इसमें हमें स्टफिंग डालना है। ये डाल लिए स्टफिंग। अभी इस एजिंग में आजू बाजू जो है उसे पानी लगा लेंगे, ऐसे एजिंग में पानी लगा लिए पूरी के। पानी लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपके मोमोज खुल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, उसकी वन साइड प्लेटिंग किए थे जिस तरह से हमने फर्स्ट जो मोमो बनाए थे और जिसमें प्लेटिंग जिस तरह से किए थे वैसे इसमें प्लेटिंग करना है, लेकिन आधी प्लेटिंग करना है। उसमें हमने पूरी प्लेटिंग किया था लास्ट तक, इसमें हमें आधी प्लेटिंग करना है। देखिए मैंने आधी प्लेटिंग किया और फिर जो आधा पोर्शन है उसे फिर चिपका देते हैं। जो आधा पोर्शन है ये देखिए शंख के जैसा दिख रहा है शेप, बहुत ही प्यारा शेप लग रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जो छन्नी है उसे ऑयल लगा लेंगे और उसमें पूरे के पूरे मोमोज हम इसमें डाल देंगे, जिससे ऑयल लगाने से क्या होगा कि चिपकेंगे नहीं। ये डाल दिया और मैंने पहले ही पॉट में पानी गर्म करके रखा था, उबल गया था वो, और उसमें हम छन्नी डाल देंगे और ढक के रख देंगे और 10 मिनट तक उसे रहने देंगे। और फिर हमें फिर से देखेंगे तो ऐसा लगे हमें कि नहीं ये चिपक रहे हैं एक दूसरे से, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और फिर से ढक के रख देंगे। और फिर बाद में देखते हैं 10 से 15 मिनट बाद, तो हमारे मोमोज रेडी है। इसकी प्लेटिंग करें, गर्मा गर्म सर्व करें। तो खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।